लोगों के सामने जब बोलने की बात आती है तो बहुत बड़े बड़े लोग भी नर्वस हो जाते हैं। लोग अपने याद किए पॉइंट्स भी भूल जाते हैं। अपने स्पीच को लोग बहुत अच्छे से लिख कर भी आते हैं, लेकिन लोगों के सामने देखते ही सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाता है। आज मैं इस वीडियो में जो बातें बताऊंगा वो निश्चित रूप से पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, चेहरे पर स्माइल रखें। पब्लिक स्पीकिंग के समय अगर आपके चेहरे पर स्माइल रहती है तो पब्लिक आपको इंटरेस्ट से देखती है। लो कॉन्फिडेंस का सबसे पहला असर पब्लिक पर पड़ता है, इसलिए पब्लिक के सामने खुश दिखने का प्रयास करें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जरूर आपका बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है, नियंत्रित तरीके से बोलें। हमारे बोलने के अंदाज में नियंत्रण होना चाहिए। पब्लिक को आपकी एक एक बात समझ में आनी चाहिए। शब्द, मात्रा, कामा आदि पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। यदि आप सही और नियंत्रित तरीके से बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और आपकी स्पीच सक्सेस हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है, स्टेज के केंद्र पर खड़े हों। एक आत्मविश्वास से भरा हुआ वक्ता हमेशा दर्शक के सामने होता है। पोडियम जैसी वस्तुओं के पीछे छिपने से कॉन्फिडेंस और लो होता है। चौथा पॉइंट है, अपने हाथों को खोलें। आप सभी ने ये अक्सर देखा होगा कि एक अच्छा वक्ता जो होता है अपने स्पीच में अपने हाथों का अच्छा इस्तेमाल करता है। जब आप अपने शरीर और हाथ का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपकी स्पीच सक्सेस होगी। अपनी आँखों से संपर्क रखें। पब्लिक स्पीच के समय अगर आप अपने नज़रें नीचे रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता जाता है और आपकी स्पीच खराब हो जाती है। दर्शक से आई कांटेक्ट को बना करके रखें, तभी आपका स्पीच सक्सेस हो पाएगा। दोस्तों, इतनी बातों से आपको यूज करके आप जरूर देखिए, आपकी घबराहट खत्म होगी और आप एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।